दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आ गई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी लॉ, कंपनी के प्रकार। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं शिवांगी पांडे आप सभी का मेरे चैनल राजश्याम स्टडी पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। कंपनी के प्रकार। सामान्य तौर पर भारत में निम्न प्रकार की कंपनियां मानी गई हैं। पहला है एकल व्यक्ति कंपनी, वन पर्सन कंपनी। दूसरा है अनिगमित कंपनी, यूनिकॉर्पोरेटेड कंपनी। तीसरा है निगमित कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। चौथा है असीमित कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। पांचवा सीमित कंपनी, लिमिटेड कंपनी। छठवां पब्लिक कंपनी। सातवां सरकारी कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनी। आठवां है प्राइवेट कंपनी। तो आइए हम एक एक करके इन सारी कंपनियों के बारे में जानते हैं। पहले हम देखेंगे एक व्यक्ति कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी यानी वन पर्सन कंपनी से ऐसी कंपनी से अभिप्रेत है जिसमें सदस्य के रूप में केवल एक व्यक्ति कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक व्यक्ति कंपनी को संविधिक मान्यता प्रदान की गई है। यह एक ऐसी कंपनी है जिसमें केवल एकमात्र सदस्य होता है तथा वही कंपनी का संचालन करता है। आगे देखते हैं अनिगमित कंपनी। अनिगमित कंपनी का गठन भागीदारी फर्म की तरह संविदा द्वारा किया जाता है। अनिगमित कंपनियों का अपने सदस्यों से अलग कोई अधिक व्यक्तित्व नहीं होता है। इसके सदस्यों का दायित्व अलग होता है। अनिगमित कंपनी के सदस्यों द्वारा अपना अंश अन्य सदस्यों की सहमति के बिना आंतरिक किया जा सकता है। किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा दिवालिया हो जाने आदि के कारण कंपनी का विघटन नहीं होकर उसका अस्तित्व बना रहता है। तीसरा देखते हैं निगमित कंपनी। निगमित कंपनियां तीन तरह की होती हैं। पहला है निगमित कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। रॉयल चार्टर द्वारा निगमित कंपनी होती है। ऐसी कंपनी को चार्टर्ड कंपनी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिसका निगमन सन 1600 में रानी एलिजाबेथ द्वारा जारी एक चार्टर के अंतर्गत किया गया था। दूसरा है निगमित कंपनी संसदीय अधिनियमों द्वारा अस्तित्व में आती है। ऐसी कंपनी को पब्लिक कंपनी भी कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन आदि इसके अच्छे उदाहरण हैं। तीसरा देखते हैं निगमित कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सृजित होती है। ऐसी कंपनी रजिस्ट्रीकृत कंपनियां कहलाती हैं, क्योंकि ऐसी कंपनियां कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण द्वारा निगमित होती हैं। आगे देखते हैं असीमित कंपनी। ऐसी कंपनी जिनमें सदस्यों का दायित्व सीमित नहीं रखा गया है, असीमित कंपनी अनलिमिटेड कंपनी कहलाती है। असीमित कंपनी से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं है। ऐसी कंपनी के लिए अंश पूंजी रखना आवश्यक नहीं है। यदि अंश पूंजी रखी जाती है तो उसे बिना किसी रोक टोक या अनुमति के घटाया बढ़ाया जा सकता है। ऐसी कंपनी अपने अंश स्वयं क्रय कर सकती है और ऐसी कंपनी के लिए संवैधानिक बैठक आयोजित किया जाना आवश्यक नहीं है। पांचवा है सीमित कंपनी।
सीमित कंपनी यानी लिमिटेड कंपनी से अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जिनमें उनके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, सीमित कंपनी कहलाती है। इसके अंतर्गत अंशों द्वारा सीमित कंपनी एवं गारंटी द्वारा सीमित कंपनी भी आती है। सीमित कंपनी गारंटी द्वारा ऐसी कंपनी से अभिप्रेत है जिसके सदस्यों का दायित्व ज्ञापन द्वारा ऐसी धनराशि तक सीमित है जिसे सदस्य उसके समापन की दशा में कंपनी की अस्तित्व में अभिधाय करने का वचन दे। ऐसी कंपनी अंशों द्वारा सीमित होती हैं तो उसे अंश सीमित कंपनी कहा जाता है, और जब गारंटी द्वारा सीमित होती हैं तो उसे गारंटी द्वारा सीमित कंपनी कहा जाता है। आगे देखते हैं छठवां, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा पब्लिक कंपनी के लिए प्रस्तावित पूंजी कम से कम 5,00,000 रुपए होनी चाहिए। इसके निर्माण में सदस्यों की संख्या कम से कम 7 होनी चाहिए। इसके लिए अधिकतर सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। इस कंपनी के अंश के अंतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह कंपनी अंशों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। प्रत्येक पब्लिक कंपनी को कम से कम 3 निदेशक रखने होते हैं। आगे देखते हैं सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसमें समादंत अंश पूंजी का 51% से कम केंद्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या कुछ अंशों में केंद्रीय सरकार द्वारा और कुछ अंशों में एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित किया जाता है, और इसके अंतर्गत ऐसी कंपनी भी हैं जो ऐसी सरकारी कंपनी का सहायक कंपनी है। आगे देखते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए प्रस्तावित पूंजी कम से कम 1,00,000 रुपए होनी चाहिए। इस कंपनी का निर्माण 2 व्यक्ति मिलकर भी कर सकते हैं। इस कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 हो सकती है। यह कंपनी अपने अंशों का अंतरण अंत नियमों में उल्लेख करने के बाद ही कर सकता है। प्राइवेट कंपनी को केवल 2 ही निदेशक रखने की आवश्यकता होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरी यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, पार्ट 2 के लिए कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।